नमस्कार दोस्तों, कांग दे रंग में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। और 2019 वर्ष के आखिरी लम्हों में आखिरी दिन, 4-5 घंटे के बाद नया साल चढ़ जाएगा। आपको सबसे पहले तो नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब तैयारी कर रहे होंगे नए साल की, अच्छी बात है। लेकिन आपने क्या तैयारी की है 2020 के लिए? क्या कोई लक्ष्य रखा, टारगेट रखा है, रेजोल्यूशन रखा है? आप इसको जरूर रखिए। मेरे अपने कई काम पेंडिंग है, मैं उनको नहीं कर पाता आलस्य की वजह से। आलस्य त्याग दीजिए। जिसने आलस्य और निंदा पर विजय प्राप्त कर ली है, नींद पर विजय प्राप्त कर ली है, मेहनत करने का ठान लिया है, उसको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। हमारे सोसाइटी में भी अब म्यूजिक बजना शुरू हो गया, क्योंकि आज न्यू ईयर ईव के कार्यक्रम है। लेकिन मेरा यह लक्ष्य है कि मैं अपने काम को, जो कि पेंडिंग रह गए, कई बार आलस्य की वजह से, कई और मजबूरियों की वजह से पूरा नहीं कर सका, वो मैं जरूर पूरा करूंगा। आप भी कोई टारगेट बना लीजिए। हम ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग मी, ज्यादातर हम अपना समय रोज बर्बाद करते हैं, कभी फेसबुक पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी चैटिंग में, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जो लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने की ओर ध्यान नहीं देते। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 1440 मिनट होते हैं, 86,430 सेकंड होते हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि आप इस समय का कितना सदुपयोग करते हैं। अधिकतर हिस्सा हम लोग बर्बाद करते हैं। सो आज प्रण कर लीजिए कि जब 2020 आ रहा है, हम उसमें एक नए जोश के साथ अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लग जाएंगे। कहते हैं कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही है जो कभी लड़ा नहीं होता। अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी अपने आप से, परिस्थितियों से, ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और इसके लिए आप ज्ञान जितना अर्जित कर सकते हैं, आप रोज पढ़िए, किताबों को पढ़ने की आदत डालिए, अखबार को पढ़ने की आदत डालिए। कहते हैं ना कि ज्ञान धन से ज्यादा अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि धन की हमें रक्षा करनी पड़ती है, जबकि ज्ञान हमारी रक्षा करता है। आप अपने पड़ोसी ज्ञानचंद की बात मत सोचिएगा, ज्ञान नॉलेज की बात कर रहा, वो हमारी रक्षा करता है। अगर आप में पूरा आत्मविश्वास होगा, आपने पूरा ज्ञान प्राप्त होगा किसी भी विषय में, पर उस पर आप काम भी कर लेंगे, उस पर आप बातचीत भी कर लेंगे, डिस्कशन में पार्टिसिपेट भी कर लेंगे, और कहीं कोई बात आती है तो आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब ज्ञान की वृद्धि से होता है। सो लक्ष्य बनाइए कि 2020 में एक 2020 मैच खेलना है अपने साथ। अपने साथ जिद पे अड़ना है कि मुझे जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, जैसा कि 2020 में होता है। सो ज्यादा बातें मैं आपको नहीं कहूंगा, क्योंकि नए साल का प्रोग्राम शुरू होने वाला है, थोड़े दिन में नया साल चढ़ जाएगा। सो सभी मेरे व्यूवर्स को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हुआ कुलविंदर सिंह कंग आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरे यूट्यूब चैनल कंग दे रंग को सब्सक्राइब करें। और अब एक बार फिर से नए साल की मुबारकबाद के साथ मैं आपसे अनुमति चाहता हूं। नमस्कार।